पूजा पार्वणी हो घरे उपवास दिन हो निश्चय ओडिया मानंक घरे ए चीनी नड़िया आरिसा पिठा बना जाय थाए किंतु आज मु आपण मानंक सेथिरे बहुत इजी प्रोसेस रे शेयर करिबे आज रही आरिसा पिठा रेसीपी को जदि मो रेसीपी भल लागिबो मो वीडियो को लाइक करिबे मो चैनल को सब्सक्राइब करिबे आ वीडियो को मध्ये शेयर करिबे तबे चालंतु देरी न करे स्टार्ट करिबा आज रही आरिसा पिठा रेसीपी को। नमस्कार मु गायत्री आपन समस्त को त्रिशा किचन को पुनि थरे बहुत बहुत स्वागत। नड़िया चीनी आरिसा पिठा बनवाई ये मुझे दुई ग्लास चावल को छः घंटा पूर्व भिजे रखी थी ताको छाणी आनी हाथ में यहपर गड़ी कले जी गड़ी जाऊँ जानवे आपणकर चावल टी भल भाव में बतरी जाइए किंतु ये आम जो छाणीचे हाथ में पा लगुच पा न लगेपी गोटे पतला धला कपड़ा हो कि जेकोसी कटन कपड़ा आप पक तारी उपर ओदा चाउल को पकई ने ओदा चाउल को पक सारापर ताको भल भाव खेल खेल कर पंखा तले आपको आपड़ सुखई ने बेसी समय भी सुखेबे ना बेसी सुखेदे फल आपणकर पिठाटे मुरमुरीया भल लगे ना तो पा मरला जाए आप सुखेबे ये पा मरी जाइए आ हाथ में जमा भी पा लगुन आदि गड़ी करें गड़ी हो चाउल गुड़ाक तो ये आमर चाउल बहुत भल भाव ठीक हो जाए मैंने रेडी जाए आपको गोटे ग्राइंडर में ग्राइंड करी ग्राइंड कर सारापर ताक चलई नवा चलवा फल जो गेटा गेटा रही जा चाउल खुद भाया आउ थे आम पुणी ग्राइंड करापरी पाउडर कर ग्राइंड करवा मुझे भल भाव पाउडर कर ग्राइंड कर चूना गुड़ी को देखिपुर चाउल चूना एवं आम जंतुणी प्रस्तुत करवा किंतु ये आम मपी ना कितनी चाउल गुंड जेहेतु मुझे दुई ग्लास नहीं कि गुंड कलापर बढ़ी जाए कि कमी जाए तो गोटे बड़ मिक्सिंग बाउल मान गोटे गिना टाइप बाउल नहीं जा सूप बाउल से मपी नौ कितना आमर चाउल चूना है तो प्रथम गोटे गिना हो गला मपी सारे मत लगुच पखापाखि दुई रु तीन गिना हम आम जो चाउल गुंडटी आउल गुंड परफेक्ट हो जाए जमा भी ओदा ओदा ना आ यही रेसीपी बनवा बहुत सहज हुए तो जब प्रथम थर आप बनाऊँ आरिसा पिठा निश्चय रेसीपी को देखु आ फलो करूँ स्टेप स्टेप गुड़िक आपण मानकर निश्चय परफेक्टली आरिसा पिठाटी कुक हम तो ये आमर तो हो गला पखापाखि तीन गिना हो तीन गिना चाउल गुंड को मुझे गिना चीनी ने चीनी जदि नियंती तेज आप गुड़ नहीं पारे आम मेजरमेंट नौचे तो ये गिना तो तीन गिना होता आमर चाउल गुंड ये गिनारे मुझे देढ़ गिना नहीं जाऊँ चीनी अल्प टिके पा दबा पखापाखि अर्ध ग्लास खंडे पा दे भल भाव गोल गोल सारापर फ्लेम को हाई कर नवा हाई कला फल जो चीनी शीरा जल्दी फुटब तो चीनी ये मेल्ट हो सारा एवं आपको फुटवा को किसी समय छाड़ा आम हाई फ्लेम कर सारापर चीनी शीरा फुटवा आरंभ हो सारा देखिपुरी बेसी माने जो सूता पाग आम आने चीनी पाग आनी सारापर आम नड़िया पकईवा कि अठा अठा लगला तेणुक गोटे बड़ गिना नड़िया कोरा को पकई नौचे नड़िया कोरा को पक नड़िया कोरा को फुटेबा फुटेबा फल आम हाथ को आहरी सूता सूता टाइप लगे आठ आम देखिपर चीनी शीरा ठीक हो सारा आडी सारा ये पगटी हाथ को यहपर जब चिपके चिपके लगे आप पकईबे मुसमुसिया पाग हम जदि बेसी हार्ड पाग करने चाहते तेज तार टाइप आप सीरा आने पूरा मानते एम भिड़िले स्टार्च भाया तार रोथ्व से भाया पाग आने कि मुसमुसिया पाग बनइबी तेणुक एतिक रखी चाउल गुंड को पकई नेबी जो चाउल गुंड आप बनई एका थे पकेबे ना अल्प अल्प पकईपर गोलोथे मिश्रण को देख मानने जो सीरार कनसीस्टेन्स को देख आप पकईबे अल्प अल्प कर पकई सारापर ये मेल्ट हो सारा आ चूना बढ़ी तो मुझे भावुँ पकई नेबी जेहेतु आमर चीनी शीरा टी पाणी जेतीक आपड़ चाउल बनाऊँच पिठा शीरा टी ऑब्वियसली टी पतला र पकई सारे ए पकई सारापर भल भाव आम आपको गोल नवा आमर एटी जो आमर रेडी गला आड़सा जंतुणी भल भाव आम गोलवा और गैस फ्लेम को बंद कर नवा गैस फ्लेम को बंद करने आगर मु मुठे चूना रखिदी ताकू पकई नौ चूना को पकई भल भाव गोल नौ गोल सारापर आम ए पकई नवा गोटे चमच गुजराती गुंड बा आप गुजराती जगह दुईट जाक कम्बेसन करेंगे गोलमरीच आ गुजराती कि केवल गुजराती पकाचे
तो गोटे चामच गुजरातीर पाउडर पकई नबा भल फ्लेवर दब आउ 2-3 चमच राशि पकईबा धला राशि राशि आउ गुजराती आपणक इच्छा हेले पकईबे नहले स्किप करिबे किंतु गुजराती निहाती पकांतु पिठाटी भल बासना दब। तो पुणी सबको आम भल भाव गोले नबा एबे मुझे जो गोलाउची यही प्रोसेस गुड़ा कर गैस फ्लेम बंद कर रखी जमा भी गैस ऑन करनी। एबे आम से ही गरम जंतुणी में गोटे चामच गुआ घी पकई नबा गुआ घी पकईवा द्वारा आम पिठाटी बहुत मुसमुसिया हे भल लगे खाइबापी गुआ घी पकई सारापर गरम जंतुणी में ताकि भल भाव गोलई नबा से ऑटोमेटिकली मेल्ट हो। कि पकईवा ना आपको एवं कभर कर नबा सॉरी एठी मुझे गोटे मिश्रण पकईनी माने गोटे इनग्रीडियंट पकईनी लुण लुण ये मुझे पकई नौ लुण पकई सारापर पुणी गोल ना लुण पकईवाप भूली जा तो आप जंतुणी जिते बनाऊंट चीनी स्टेरे ही लुण पकईबे। तो लुण पक सारापर आपको कभर कर ना 10-15 मिनिट ये 10-15 मिनिट हो जाए थंडा हो जाए मैंने बेस भी थंडा होनी हाल्का हाल्का थंडा होमें पा हाथ हाँ पा हाथ हो मिश्रण को धरवा तथापि टी गरम अच्छी एबि तो ये यही भाव में आम छाणी रिफाइन तेल पकई नवा तेल टी गरम हाँ को छाड़ा हाई फ्लेम रे तेल को गरम करेंगे तेल गरम अच्छे कि नहीं चेक करने खंडे जंतुणी पकाचे ये तेल आमर ठीक से रेडी जाइए गरम होमें पिठा को पकईवा जेकोसी सेप्रे आप पकेबे कि नर्माली आम आड़सा पिठा सब गोल होता है आर तो सेप भी बन पारे ना जेहेतु गरम थाए तो गोल गोल कर पकई नौ जी कड़ेर स्पेस देखिए आप पिठा को पकई फ्राए करेंगे जितेबाला आड़सा बनाऊँ बहुत गुड़े स्टेप मानते बहुत गुड़े स्टेप को फॉलो करवाक पड़ता है तो मुझे बनाऊ प्रोसेस निश्चय फॉलो करूँ बहुत ही मुसमुसिया चीनी नड़िया आड़सा आपण प्रस्तुत हो आपसी पूजा हो कि फेस्टिवल हो घरे उपवास करो नॉर्मल डे बन मजा नहीं पारे ये कितने सुंदर कलर आसी जाए देखिपर पिठार यही भाव में आम आपको पिठा को सब छाणी नवा तो ये रेडी को नहीं सब पिठा को एवं सर्व करवा गोटे थाली रे डेकोरेट की तो किसी करें जस्ट केवल गोटे गोटे कर पिठा रखा आ बहुत मुसमुसिया पिठा हो क्राक आखिपर मुसमुसिया खास्तादार पिठा रेडी आमर ये आशा करेसीपी आप समस्त भल लगी निश्चय ट्राए भी करेंगे जदि रेसीपी भल लगी थाए लाइक करेंगे सेयार करेंगे सब्सक्राइब करने को जमा भूलें ना रोचे भिड देखि धन्यवाद।